यार इतने दिनों से शादी का लड्डू नहीं खाया ना शादी में नाचे, तो बॉलीवुड ने ये तमन्ना भी पूरी कर दी है। आज रिलीज हुई है OTT पर गिन्नी वेड सन्नी, जिसमें आपको दिखेंगी यामी गौतम उनके साथ विक्रांत मासे, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पुनीत खन्ना ने। ब्याह कर लेते हैं, उसके बाद एक बार रेस्टोरेंट खुल जाए तो उसको भी चलाएंगे और अपनी लाइफ को भी। हमें एटलीस्ट एक साल तक इस तरह मिलना चाहिए एंड देन वी शुड टेक अ डिसीजन। और अगर एक साल बाद ऐसा ना लगा तो नहीं करेंगे। शोभा आंटी यानी कि आयशा रजा की बेटी होती है गिन्नी यानी कि यामी गौतम। अब शोभा आंटी चुनती है विक्रांत मासे यानी कि सन्नी को कि वो उनका दामाद बने, और वो उनको सारी ट्रिक्स बताती हैं जिससे कि वो यामी गौतम को पटा सके। पर यामी गौतम बेचारे अपनी पास्ट में स्टक है क्योंकि उनका एक्स बॉयफ्रेंड के साथ लफड़ा था, 1.5 साल पहले उनका ब्रेकअप हो गया था। तो क्या विक्रांत और यामी या गिन्नी या सन्नी की शादी हो पाएगी? वेल ऑफकोर्स हो पाएगी क्योंकि टाइटल यही है भाई, गिन्नी वेड सन्नी। पर कैसी होगी ये आपको फिल्म देखकर पता चलेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रेणुका व्यवहार ने इस फिल्म को दिए 2.5 स्टार्स, और वो कहते हैं कि यामी गौतम का काम काफी कमाल का है। विक्रांत मासी को एक मास एंटरटेनर बनने की जरूरत है और ये फिल्म उन्हें ऐसा करने का मौका देती है। पर जिस तरह से कार्तिक आर्यन शादियों में डांस करते हैं, गानों पर डांस करते हैं, आयुष्मान खुराना कई लूजर किरदार निभा लेते हैं, विक्रांत मासे इन दोनों ही फील्ड्स में जो कि इस फिल्म में काफी रेलिवेंट है थोड़ा सा पीछे रहते हैं, बैकफुट पे। बाकी फिल्में थोड़े बहुत से कॉमेडी पंचेज हैं जिसमें आप करके हंसोगे फिर चुप हो जाओगे। बाकी फिल्में कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ अपीलिंग है फिल्म में। तो भाई साहब गर्मा गर्म समोसे जो फिल्म में देखते हैं, बाकी फिल्म गर्म समोसे की तरह नहीं है, कम नमक वाले कंफ्यूज चिवड़े की तरह। 2.5 स्टार। NDTV के साइबल चाटर्जी ने इस फिल्म को दिए 3 स्टार्स, और वो लिखते हैं कि फिल्म में कोई भी किरदार ऐसा नहीं है जो आपको नापसंद हो। विक्रांत और यामी की ऑन स्क्रीन जोड़ी कमाल की दिखती है। नवजोत गुलाटी और सुमित अरोड़ा का स्क्रीन प्ले काफ़ी स्मार्ट है, और फिल्म की सभी चीज़ों को डेब्यूटान डायरेक्टर पुनीत खन्ना ने काफ़ी स्मूथली पर्दे पर उतारा है। और इस फिल्म में जितनी जान राजीव गुप्ता और आयशा रजा ने डाली है शायद ही किसी दूसरे कलाकार ने लगाई हो। 3 स्टार्स। मुंबई मिरर के कुणाल गुहा ने इस फिल्म को दिए 2.5 स्टार्स, और वो कहते हैं कि ये फिल्म एक देसी घी वर्जन है साल 2007 में आई बिकॉज आई सेड सो की, जिसमें एक माँ अपनी बेटी को रिझाने के लिए अपनी पसंद के लड़के को कहती है। यामी गौतम की काफ़ी एफर्टलेस एक्टिंग है। विक्रांत मासे को एक मास एंटरटेनर बनना है और ये फिल्म उन्हें ऐसा करने का एक मौका देती है। पर जो स्टार हैं इस फिल्म की वो हैं गिन्नी की माँ आयशा रजा यानी शोभा आंटी। वेस्ट दिल्ली पंजाबी रोम कॉम और मिडिल क्लास, भैया ये वो चार मसाले हैं जिसकी मदद से कई डायरेक्टर्स ने बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, पर हर कोई फिल्म बैंड बाजा बारात जैसी नहीं बनती है ना। ऐसा कहना है शुभ्रा गुप्ता का इंडियन एक्सप्रेस की, जो है उन्होंने इस फिल्म को दिए हैं नहीं दिया है सिर्फ 1 स्टार, और वो कहती है कि भाई साहब फिल्म के नाम में पता लग जाता है कि आगे क्या होने वाला है। शादी जिस तरह से होती है वो इंटरेस्टिंग कतई नहीं है, दोनों किरदार बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है, और इसमें गलती इन दोनों एक्टर्स की नहीं है भाई, फिल्म की जो लिखाई है ना वही काफ़ी फीकी सी है। ठीक, 1 स्टार। तो 4 रिव्यूज के हिसाब से फिल्म गिन्नी वेड सन्नी को मिलते हैं 2.25 स्टार्स, और जाते जाते बॉलीवुड शायरी मेरे जनाब। गिन्नी वेड सन्नी में आयशा रजा ने किया है कमाल, गिन्नी वेड सन्नी में आयशा रजा ने किया है कमाल। ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे कान। तो कैसी लगी आपको मेरी घटिया शायरी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अपनी घटिया शायरी भी लिखिए। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि अगर अच्छी होगी तो मैं फिल्म रिव्यू में ज़रूर शामिल करूंगा, पर एफर्ट ही नहीं किया आप लोगों ने। व्हाट आर यू डूइंग गाइस, राइट समथिंग इंटरेस्टिंग। और जाने से पहले बीबीसी हिंदी का फेसबुक पन्ना लाइक करना ना भूलें, और यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं विदित लेता हूँ आपसे विदा, मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।